विश्व भर विच पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी दे 545वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन अते कीर्तन दरबार सजाए जा रहे हन। इसे लड़ी तहत जिला हुशियारपुर के पिंड बाहूवाल के गुरद्वारा संत आश्रम विखे गुरद्वारा साहब जी के संचालक संत बाबा रणजीत सिंह जी और माता गुरिंदर कौर जी वालों समूह इलाके ते देश विदेश दी संगतां दे सहयोग नाल प्रकाश पुरब बहुत श्रद्धा अते उत्साह नाल मनाया गया। इस मौके मिति 19 नवंबर तो रखे श्री अखंड पाठां दी लड़ी दे भोग पाए गए अते सरबत दे भले लई अरदास बेनती कीती गई। इस उपरंत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं खुले सजाए पंडाल विच सुशोभित कीता गया। वड्डी गिणती विच पहुंचियां संगतां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे नतमस्तक होईयां। जिसके सिरे ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। आए रागी ढाडी जथियां ने जुड़ी संगत नूं गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाया। इस मौके वख-वख धार्मिक स्थानां तों वड्डी गिणती विच महापुरश पहुंचे, जिन्हां विच महंत भाग सिंह जी बंगिया वाले, संत गुरबचन सिंह पटलावा वाले, बाबा तेजा सिंह जी खुड्डा कुराला, संत ब्रह्म जी जब्बर, संत मक्खन सिंह जी निर्मल कुटिया टूटो बजारा, बाबा बलवंत सिंह जी, बाबा जसवंत सिंह मननहाणा ते होरनां ने हाजरी भरी अते अपने प्रवचनां राहीं श्री गुरु नानक देव जी दी जीवनी बारे जुड़ी संगत नूं जाणू करवाया। अज तीन त्यौहार सिख पंथ नाल संबंधित ने। एक तो यह दिन मनाया जा रहा श्री गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश उत्सव दिहाड़े के संबंध में, और दूसरा सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज का अज शहीदी दिन है, तीसरा सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज का अज गद्दी दिवस दिन है। तो अज का दिहाड़ा सिख पंथ विच बड़ा अहमियत रखता है और एक प्रेरणा देता है, एक पासे सच नाल जुड़न की प्रेरणा देता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी का सिद्धांत सी कि हर मनुख पहला वो अपनी शुभ किरत करे। पहले पातशाह साहब सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी उन्होंने इस संसार विच क्यों आना पिया, बड़ा ही जुल्म बढ़ चुका सी। कलयुग का आरंभ 5,500 साल हो चुके सन। परीक्षित राजे नूं कलयुग ने अपनी गिरफ्त विच लै लिया सी। धरती ते हाहाकार मची हुई सी। जे उस वेले का इतिहास पढ़ीए बनारस कंछी दपालपुर किन्ने किन्ने कतल कतल ही नहीं उन्होंने सिर मनारियां ते रख के दीवे जगाए जाते सी। इस मौके सवेर तो ही संगतां लई चाह पकौड़ियां दे लंगर अटुट वरताए गए। महापुरशां तो इलावा कांग्रेस दे हलका इंचार्ज डॉक्टर राज विशेष तौर ते हाजिर होए। स्टेज दी संचालना बाबा बलवीर सिंह जी शास्त्री टूटो मजारा वल्लों कीती गई। संत बाबा रणजीत सिंह जी ने जुड़ी संगत नूं संबोधन करदिआं कहा कि श्री गुरु नानक देव जी दीआं कल्याणकारी सिख्यावां कारण अज समुची मानवता उन्हां सिख्यावां ते चल के सुखमई ते शांतमई जीवन बतीत कर रही है। श्री गुरु नानक देव जी ने बली कंधारी, मलक पागो, सज्जन ठग, गोपाल कोड़ी जे व्यक्तियां दा अपने ज्ञान ते ध्यान राहीं उधार कीता। आईआं प्रमुख शख्सियतां दा संत रणजीत सिंह जी वल्लों गुरु घर दे सिरोपाओ दे के सन्मान कीता गया। बोल न जाने माया मद माता, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे, मरना
समागम दौरान सेवादारां वल्लों अपनियां सेवावां तनदेही नाल निभाईयां जा रहीयां सन। गुरु जी का अटुट लंगर तैयार करके संगतां विच वरताया गया। संत रणजीत सिंह जी, माता गुरिंदर कौर, काका अजीत सिंह, काका मनजीत सिंह वल्लों आए महापुरशां नूं सत्कार सहित लंगर छकाया गया। लंगर वरताउण दी सेवा हरजीत सिंह संधवा ते सरदार परमजीत सिंह गिद्दड़पिंडी वल्लों निभाई गई। अरदास करदा वा कि गुरु नानक पातशाह जी दे कल तारन गुरु नानक आया, गुरु नानक महाराज जी दे अवतार पुरब, गुरु पातशाह जी दे अवतार पुरब दिन दिहाड़े इस तरह सत्कार ते श्रद्धा ते भावना दे नाल सारियां संगतां नूं गुरुआं दे दिन मनाउणे चाहीदे। सतगुरु कृपा करन, गुरु दे लड़ लग के नशियां दा त्याग करके ते सतगुरां दे दरबार दी सेवा ते सिमरन दीआं दातां प्राप्त करके ते अपने जीवन नूं सफल करिए जी।